नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 12,005 ग्रामीण व शहरी लाभार्थियों को उनके आवास की सांकेतिक चाबियां सौंपी गई। सिद्धार्थनगर जिले के सभी ब्लॉकों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर लाभार्थियों को ये सौगात दी गई। जिला मुख्यालय के सदर ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और सदर विधायक श्याम धनी राही ने नौगढ़ ब्लॉक के 236 लाभार्थियों को चाबियां सौंपे और साथ ही सहजन का पेड़ अपने घर पर लगाने के लिए दिया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। गरीबों के चूल्हे राशन से लेकर घर तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत 1205 आवास सिद्धार्थनगर जिले में गरीबों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सिद्धार्थनगर जिले में कुल 24,000 से ऊपर आवास गरीबों में वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह सरकार गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। आज जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक लाल किले से घोषणा किया था कि 2022 तक हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी जात बिरादरी का होगा, अगर उसके सर पे पक्का छत नहीं है, उसके पास पक्का आवास नहीं है, तो हम 2022 तक देश के ऐसे जो गृहविहीन हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में 41,50,000 आवास प्रधानमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं और उसी दिशा में सिद्धार्थनगर में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 24,000 प्रधानमंत्री आवास अभी तक सिद्धार्थनगर में ऐसे लोग जिनके पास आवास नहीं था, पक्की छत नहीं था, उन्हें दिया जा चुका। आज पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक अभियान चला करके मुख्यमंत्री जी ने गृह प्रवेश और चाबी योजना देने की बात की है। आज सिद्धार्थनगर के भी सभी विकास खंडों में 12,005 आवास के चाबी और उनको गृह प्रवेश के लिए दिया जा रहा है तथा एक सहजन का पेड़ भी दिया जा रहा है, क्योंकि सहजन का पेड़ और उसका फल ऐसा है कि 300 रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। उसमें प्रोटीन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम है। इसलिए हमने आग्रह किया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कि वो सहजन जो इतना लाभकारी था इस कोविड की पैंडेमिक के बाद, उस सहजन से आज इम्यूनिटी पावर से लेकर रोगों से लड़ने की क्षमता है, इसलिए हर व्यक्ति अपने दरवाजे पर सहजन लगाए, इसलिए सहजन भी दिया जा रहा है।